अच्छा, ऐसा कई हमारे छात्रों के साथ होता भी है कि लगातार तैयारी करते करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे थोड़ा सा हम लोग थकावट टाइप की महसूस करते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप कोई टिप्स या कुछ सुझाव, या आपके तैयारी के दौरान जो इस तरीके की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई या आई थी, तो आपने उन चीज़ों को किस तरीके से खेल दिया? नमस्कार साथियों, कॉफी विद टॉपर्स के इस अंक में मैं पवन सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, इस मुहिम के तहत हम आपके सामने अपने संस्थान के उन सफल विद्यार्थियों से आपकी चर्चा या आपको रूबरू कराते हैं जो सरकारी नौकरी में चयनित हो चुके हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं हाई कोर्ट में की परीक्षा के तहत स्टेनो के पद पर चयनित हुई सपना शर्मा जी। सपना जी, हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? खुशी है और सुकून है, दोनों है। मतलब जैसा स्टूडेंट जब यहाँ पर आप आए थे और उसके बाद यहाँ पर आज एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर, या बोले कि एक जो आपने जॉब के बारे में सोच रखा था उस जॉब को पा करके आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उस जो आपकी जो फीलिंग्स हैं उस फीलिंग से हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को साझा कर। जब तैयारी करने आए थे तो बहुत सारे डाउट्स थे कि मतलब होगा कि नहीं होगा, इतना कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट घर से दूर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे डाउट्स थे। जब यहाँ आए तो स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, यहाँ के मोटिवेट करते रहते थे, तो वो घर वाले भी मोटिवेट करते थे और टीचर्स भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो टिक गए, अच्छे से तैयारी भी हुई। मतलब कुल मिलाकर के माहौल आपको जो रहा बहुत अच्छा मिला, परिवार का भी पूरा आपको सपोर्ट रहा है पढ़ाई के दौरान, और टीचर्स जो यहाँ पर आपको मिले वो भी। थोड़ी सी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई। फादर पेप्सिको में टेक्नीशियन है, मदर हाउसवाइफ है, और जो छोटी सिस्टर है वो भी तैयारी कर रही है। तो आप बड़े के ही तौर पर थे, और छोटा भाई बीटेक कर रहा है, फाइनल हो गया। अच्छा, अब कम्प्लीट हो गया। तो मैं ये जानना चाहूँगा, पिताजी जो आपके बताया पेप्सिको कंपनी में टेक्नीशियन के तौर पे, तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अच्छी? नहीं, मीडियम क्लास में। तो आपने क्या मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते ही हुए सरकारी नौकरी के ओर आने का निर्णय लिया, या आपका कुछ और भी रुझान किसी अन्य क्षेत्र की ओर रहा? नहीं, और किसी क्षेत्र में नहीं रहा, सरकारी में ही आना था। सरकार मतलब शुरू से आपका एक तरीके से सपना ही था। इसके पीछे के कोई विशेष कारण? नहीं, विशेष कारण तो कोई नहीं था, मतलब एक गवर्नमेंट जब सेक्टर में आप जाते हो तो थोड़ा वैरायटीज आपको देखने को मिलती है कि हर डिपार्टमेंट में क्या कैसा सीन चल रहा है, हम किसी को हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ तो हेल्पिंग नेचर था शुरू से ही। तो ये था कि ऐसी जॉब पकड़ें कि मतलब थोड़ी कि किसी की हेल्प कर सके, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम खड़े हो सकते हैं उनके लिए। अच्छा, ऐसा अभी आपने जो ज्वाइनिंग दी है, तो ये क्या जो आपकी परीक्षा है इसके पहले भी आपका क्या किसी परीक्षा में चयन हुआ? हाँ, इससे पहले मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क थी, जूनियर असिस्टेंट, 2017 वाली वैकेंसी थी, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2019 में मैंने मथुरा ज्वाइन किया था, और 1 जून 2023 से मैंने कानपुर देहात जजशिप में एज ए स्टेनोग्राफर ज्वाइन किया। अच्छा, इस दौरान क्या कोई ऐसा इंसिडेंस रहा मतलब जिससे आपको एक खुशी हुई हो, या आपने जो जैसे कहा कि लोगों की मदद करने के भाव से इस फील्ड में आने का जो आपका लक्ष्य था या उद्देश्य था, तो क्या कभी कुछ ऐसा अनुभव, अपना व्यक्तिगत अनुभव हम लोगों के साथ साझा करना चाहें कि किसी कार्य को करने के बाद जैसा आपको लगा कि हाँ मतलब जो हम जिस सोच के साथ इस डिपार्टमेंट में आए थे, तो हम उसको वो सुकून दे सके या उसका काम करा सके? हाँ, जब मैं मथुरा जशीप में थे तो मेरे एक फैमिली डॉक्टर है, तो उनका कुछ गाड़ी का मैटर फंस गया था। अच्छा, मथुरा जशीप में ही फंसा था। जी जी।
तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि सपना मेरा ये काम है, मथुरा जर्शिप में ही है आप, तो मेरा ये काम करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है सर हम करा देंगे आपका काम। तो वो काम बाई कॉल से ही मैंने कह दिया था तो हो गया था। तो बहुत सारी चीजें रही ऐसी, लेकिन याद अभी यही आया। अच्छा, इस तरीके से मतलब कई इवेंट्स आपके सामने आते रहे। तो मथुरा में आपकी ज्वाइनिंग थी, तो मथुरा के बारे में कुछ थोड़ा सा आप बता पाए। मथुरा बिहारी जी की नगरी है, तो बहुत धार्मिक जगह है। तो और मुझे जॉब मिली थी तो मेरी तो कुछ घूमने उमने का थोड़ा सा। हाँ, मतलब बांके बिहारी का मंदिर है, राधा रानी है, गोवर्धन जी, बहुत सारे मंदिर घूमे हैं आपने वहाँ पे। हाँ, पूरा पूरा घूमा है। तो बढ़िया। रुकने के पॉइंट ऑफ नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिटी बढ़िया। अच्छा, आपका थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर पढ़ने आए तो मतलब किस तरीके से आपने ये चुनाव संस्थान का किया, किस तरीके से, क्या व्यू, किस तरीके से आपने इसको ज्वाइन किया? मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स थे, जूनियर्स थे, तो वो यहाँ तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो पापा ने उनसे पूछा था कि मतलब कैसा क्या है, तो उन्होंने रिव्यू दिया था गुरुकुल बेस्ट है यहाँ पे। अच्छा। तब मैंने गुरुकुल ही ज्वाइन की थी, शुरुआत ही यहीं से हुई थी। अच्छा। फिर यहीं से सिलेक्शन भी लेके अपना ज्वाइन किया मथुरा, फिर वहाँ से 4 साल 1 महीना मथुरा में रहे। 2019 में ज्वाइन किया था, 1 मई 2019 से। अच्छा। फिर 1 जून 2023 को वहाँ रिजाइन मारा है, फिर कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन। अच्छा, तैयारी के दौरान कुछ अनुभव आपके टीचरों के या कुछ ऐसी चीजें रही हो जो आपको ऐसा लगा जिसने एकदम से आपको बूस्ट कर दिया और मोटिवेट कर दिया? तैयारी के दौरान हर दूसरे दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अच्छा, ये रहेगा अगर मतलब पता चला आपसे कोई अच्छा आपके बगल में बैठा है तो उसकी बात सुन के ही आप डिमोटिवाइज हो जाओगे, क्योंकि वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको रटा है वो, तो वो नींद में भी उसके आंसर बोल देगा। हम अभी पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है, तो हर दूसरे दिन आप डिमोरलाइज हो गए। अच्छा, ऐसा कई हमारे छात्रों के साथ होता भी है कि लगातार तैयारी करते करते है एक समय ऐसा आता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे थोड़ा सा हम लोग थकावट टाइप की महसूस करते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप कोई टिप्स या कुछ सुझाव या आपके तैयारी के दौरान जो इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई या आई थी, तो आपने उन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया? मैं जैसे हाँ, डिमोरलाइज कभी कभी बिल्कुल ही मन नहीं करता है, हो जाता है, तो फिर कहीं घूमने निकल जाइए, 2-4 दिन, ज्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन। अच्छा, ये भी मतलब ऐसा है कि सततता नहीं, मतलब वो एक माइंड रिफ्रेशमेंट टाइप के लिए है। आपको अगर घर पे अच्छा लगता है तो खुद फैमिली आप टाइम बिता लीजिएगा। आप कहीं हिल स्टेशन में घूमना चाहते हैं, आप वहाँ घूम के 2-3 दिन 4 दिन हर आदमी 1-1.5 महीने में टाइम निकाल के जा सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल आप लगे पड़े हैं, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर भी लगे तो फिर माइंड वो कवर नहीं कर पाएगा ना, तो ग्रेस्प ही नहीं करेगा जब आप कर रहे हैं। यही बोल सकते हैं, ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक मशीन है, उसको ग्रेस्प चाहिए। मशीन कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकती, उसको चलने के लिए प्रॉपर टाइम पे रेस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे ही माइंड भी ये सुझाव एक हो सकता है। आपका व्यक्तिगत कोई ऐसा गुरुकुल के पढ़ने के दौरान कोई ऐसा इंटरेक्शन या कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसा सर के साथ कोई इंटरेक्शन, कोई विशेष ऐसा रहा हो जो आप मोटिवेट करता? हाँ, सर की एक ही लाइन अच्छी लगती थी, जब कभी भी डिमोरलाइज हुए तो सर ने यही कहा कि एक ही सादे सब सरे, सब सादे सब जाए। मतलब उनका ये कहना था कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई बने ही नहीं है सर धरती पर, वो आएगा नहीं जिसके प्रॉब्लम्स नहीं है। तो प्रॉब्लम सबके पास है, ऐसा नहीं है किसी की शो होती है किसी की शो नहीं होती है प्रॉब्लम, तो उन सबको साइड में रखो, अपनी प्रिपरेशन करो 5 से 6 घंटे, 24 घंटे में 5 से 6 घंटे आप टाइम निकालते हो बहुत है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है उसके बाद करो, सॉर्ट आउट हो रही है तो अच्छी अच्छा, बात है। कई लोगों के मन में दुविधा भी रहती है, आज इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि कई लोग जैसे पढ़ते हैं तो क्लास में भी उन लोगों को क्वेश्चन रहता है, हम लोग भी अपने अपने स्तर से उसको बताने का प्रयास करते हैं कि सर कितना देर पढ़ा जाए सिलेक्शन के लिए, तो क्या इसका कोई सेट ड्यूरेशन या टाइम लिमिट हो सकता आपके अनुसार, या आप अपनी जैसे मैं चाहूँ कि आप चूँकि चयनित हो चुकी हैं, आपका चयन और 2 परीक्षाओं में हुआ है, तो एक बार उस शेड्यूल को क्या मैं ऐसे कई लोग हैं जो क्या कहते हैं घर पे भी नहीं रहते, हॉस्टल में रह करके तैयारी करते हैं, तो क्या एक शेड्यूल आइडियल शेड्यूल हो सकता है? मतलब आपने किस चीज़ को फॉलो किया था, किस तरीके से चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया था, तो क्या उसको आप बता सकते हैं?
मतलब शेड्यूल सबका अपना अपना होता है, कोई कोई होता है कि डे में पढ़ के कंप्लीट कर लेता है, बिल्कुल ठीक ठीक, कोई कोई होता है नाइट रीडर। हां ये ठीक है, सबकी अपनी फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है वो ओवरनाइट पढ़ना पसंद करती है, हम दिन में पढ़ना पसंद करते हैं। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी एक को फॉलो करके, लेकिन फिर भी एक टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू मैनेज करके, तकरीबन कोचिंग के अलावा, कोचिंग के अलावा एवरेज स्टूडेंट 4 से 5 घंटे आपको देने, सेल्फ स्टडी करनी ही करनी था, बिल्कुल। तो मतलब कोचिंग के अलावा अगर 4 से 5 घंटे आप पढ़ पा रहे हैं और कंटिन्यूटी बना पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी मैटर मैटर करती है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए 4 से 5 घंटे रेगुलर। अगर आपको कभी ब्रेक देना तो एक संडे को, संडे पूरे दिन क्लास भी नहीं रहती, छुट्टी रहती है, आप घूमाइए 7-8 घंटे, शाम में 5 घंटे निकाल लीजिए, वो 7-8 घंटे माइंड रिफ्रेश हो जाता है, बहुत बहुत हद तक हो जाता है, बहुत हद तक हो जाता है। कोई सजेशंस हो आपको हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए जितना सर पढ़ाते हैं उसको तो बिल्कुल गार्ड बांध दीजिए, कि मतलब वो नींद में भी कोई पूछे तो आपको आँख बाद में खुलेगी, आंसर पहले आएगा। उसके बाद जो सर का प्रैक्टिस बैच होता है जी, वो प्रैक्टिस बैच है, आप उस बैच में कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट। अच्छा, प्रैक्टिस के दौरान किस तरीके के मतलब आपको सुधार महसूस हुआ? जैसे आपने प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किए होंगे, तो प्रैक्टिस सेशन में किस तरीके का सुधार आपने देखा, क्या मतलब पाया? जो बच्चे, जैसे कई लोग होते हैं तो प्रैक्टिस को लेकर के मन में उनके संदेह रहता है कि उसको करने, तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रैक्टिस, जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस जरूरी है, तो उस सुधार की जो प्रक्रिया रही प्रैक्टिस के दौरान वो कैसी रही, उसको जरा। जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, कोई भी एग्जाम हो मोस्टली में 4 ही है, कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो सबका एक सब्जेक्ट वीक होता है, कोई भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट वीक होता है। जेन्युइन पॉइंट है कि हर किसी सब्जेक्ट में। अच्छा, इसी के साथ एक मैं एक क्रॉस क्वेश्चन शायद जोड़ भी सकता हूँ कि वीक तो होता ही है, साथ ही एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपका बहुत मजबूत भी होता है, उसको नहीं भी पढ़ेंगे 15-20 दिन तो कोई ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है जो आप रोज पढ़ रहे हो फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो वो जो सब्जेक्ट वीक है उसको एक लेवल तक लाइए, भले उसमें टॉप नहीं करना है लेकिन एवरेज मार्क्स लाने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश नहीं आती तो नहीं ही करेंगे, ऐसा नहीं, उसको एक लेवल तक लाइए, बाकी जो अच्छा है वो तो थोड़ा भी करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आना है। जैसे मुझे इंग्लिश में दिक्कत होती थी क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट, थोड़ा कंपटीशन वाली इंग्लिश अलग होती है, उधर इंग्लिश बोर्ड वाली इंग्लिश अलग, नहीं वो तो ग्रामेटिकल का कोई लेना देना भी नहीं होता। तो फिर उसके लिए मैंने यही था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वो कैप्स अच्छी की, फिर इरर्स में प्रॉब्लम आई थोड़ी सी, फिर वो सही की, मतलब आप पेपर पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर तो काफी चीजें ऐसे ही कवर हो जाती है, वो कैप्स भी अच्छी हो जाती, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग बहुत अच्छा। न्यूज़पेपर की कॉम्पिटिशन में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो क्या न्यूज़पेपर से अन्य चीजों को लेकर भी क्या कोई हेल्प मिल पाती है, आपका अनुभव क्या रहा है? नहीं, अन्य चीजों को तो इतनी हेल्प नहीं मिलती, हम ये नहीं कहेंगे करंट अरेंट को लेकर, बिल्कुल इतना कोई खास नहीं, कोई खास नहीं आता है, लेकिन हाँ आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी आप वोकैब में फंस रहे हैं तो पेपर में आप ऐसे ही मतलब एक सेंस आ जाता है कि नहीं इसका मतलब ये हो सकता है, आप वोकैब आती स्नोनिम एंटोनिम आती है तो एक सेंस से लगने लगता है। इंग्लिश पेपर को आपने प्रेफर किया था और प्रैक्टिस बैच में देते ही रहते थे एसटीएसटी, तो ये रहता था। तो अभी आप पद पे चयनित हैं, वर्क कार्यरत हैं, तो अब आगे के आपके क्या मतलब योजनाएं हैं तैयारी को लेकर? आगे का पीसीएस का देखेंगे, पीसीएस के लिए जाना चाहेंगे। अच्छा, और मतलब अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव, परिवार के बारे, परिवार का क्या? परिवार वाले सब सपोर्टिव हैं। नहीं मतलब भविष्य को लेकर के, क्योंकि अब आप पद पे चयनित भी हैं, अच्छा है, और एक मतलब समाज को देखते हुए मतलब विवाह के भी अब तो ऑफर होंगे ही, तो उस संदर्भ में लेकर के अभी परिवार वालों का क्या रुझान है? नहीं, अभी फैमिली का कहना यही है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो पूरी तरीके से, अपने डेडिकेशन के साथ तैयारी करो, आगे बढ़ो, अभी शादी वादी कोई प्रेशर नहीं है। तो अभी मतलब अगला मतलब हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में हम मतलब पीसीएस अधिकारी सपना शर्मा जी के साथ आप उपस्थित हो सकते हैं। ये देखिए तो नहीं बिल्कुल, अगर आपने इस मुकाम को हासिल किया है तो आने वाले समय में अगर है मेहनत और आपकी जैसा कि है भी, तो जाहिर सी बात है कि आप उस मुकाम को भी हासिल करेंगे। ठीक है, तो आगे के पेपरों के और भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ उपस्थित थी सपना शर्मा जी, तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं, और इस वादे के साथ
कि अपने अगले अंक में हम किसी नए क्या कहते हैं नए प्रतिभागी के साथ नए राज्य अधिकारी के साथ नए सरकारी कर्मचारी के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।